हेलो एंड वेलकम टू अनकंडीशनल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनकंडीशनल पॉइंट है। आप जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं ना, बोलते हैं कि भाई पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड का क्या हुआ, पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड अभी स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, पोस्ट पे के अंदर जो लिमिट हमें मिली है उसको हम यूज कर पाएंगे कार्ड बंद होने के बाद या नहीं कर पाएंगे, बताइए हमें क्या है नई अपडेट पोस्ट पे भारत पे एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज आज मैं आपको यहां पर पोस्ट पे की जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको देने वाला हूँ। क्या अभी भी आप पोस्ट पे को यूज़ कर पाएंगे, पोस्ट पे की जो पहले लिमिट है उसको आप निकाल पाएंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ये मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में। कार्ड अभी स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, कार्ड बंद हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। अगर आपको नहीं पता पोस्ट पे के बारे में तो गाइज आप इस वीडियो को पूरा देख लो। पोस्ट पे बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पर मिल सकती है घर बैठे मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख रुपये तक की लिमिट है शायद जो देता है ये। तो भाई देखिए कितनी तगड़ी लिमिट आपको मिलती है। तो वीडियो बने रहना, इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले, और हाँ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। उसके बाद गाइस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर में। यहाँ पर आपको दिखाई देगी पोस्ट पे सोप नाउ पे लेटर ऐप, ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है। गाइस 4.2 रेटिंग है, 50 लाख प्लस डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन है। और मैं अगर आपको बताऊं गाइस यहाँ पर देखिए नहीं, पहले सबसे पहले तो आपको एक अपडेट देता हूँ, यहाँ पर पूरे 30 दिन का टाइम आपको यहाँ मिलता है। 30 दिन के बाद ही आपको पैसे वापस करने होते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। आप एनीवेयर यूज़ कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर में जाकर, ठीक है। और 6 महीने की EMI कन्वर्ट कर पाएंगे आप उस अमाउंट को जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं पैसे तो आप जो है पैसे यहाँ पर EMI कन्वर्ट करने बाद दे सकते हैं। हाँ 10 लाख तक की लिमिट आपको मिलती है, इंस्टेंट अप्रूवल 10 लाख रुपए तक का है गाइस, जिस पर 0% होता है 30 दिन के लिए। अगर आप EMI में कन्वर्ट करेंगे तो आप उस पर फिर इंटरेस्ट देना होगा। 12 महीने की EMI में कन्वर्ट कर पाएंगे, किसी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकते गाइस। मैं बताऊंगा किस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आपको लिमिट मिल जाएगी कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर कार्ड होता है गाइस जिसका ये कार्ड अभी बंद हुआ या चला है, क्या हुआ क्या ना, मैं बताऊंगा आपके स्टूडियो के अंदर। टोटल लिमिट आपको यहां पर दिखाई देगी, 30 दिन का टाइम है, 0% है। तो आपको क्या करना है गाइस, देखिए यहां पर आप जो है किसी भी एनी भारत पे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे, अदर को नहीं, ओनली भारत पे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट आप यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ यहां पर आप अपने पैसों को अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। पे नेक्स्ट मंथ सब कुछ दिख रखा है यहाँ पे। चलिए फिलहाल आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ओपन कर लेनी है। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपका वो मोबाइल नंबर आपके फोन के अंदर होना चाहिए जो रजिस्टर्ड है पोस्ट पे के अंदर। तो यहाँ पर जो है मेरा रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा दूसरा नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड है गाइज, तो मैं उससे यहाँ पर आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं दूसरे फोन में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है गाइज नंबर जो मैंने डाला यहाँ पर और लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में गाइज यहाँ पर इन्हें वापस क्यों कर दिया, वेरीफाई नहीं किया यार, क्या हुआ यहाँ पर अदर नंबर से। तो मैंने यहाँ पर जो है लॉगिन किया एक बार फिर से, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ OTP, और OTP डालने के बाद में गाइज यहाँ पर जो है देखिए गाइज यहाँ पर क्या हुआ, ये एक नया अकाउंट है और नए अकाउंट में यहाँ पर इन्होंने डाल दिया इसको, कहाँ पर इसको डाल दिया भैया वेट लिस्ट में। तो ये तो नए अकाउंट के लिए था, छोड़ो इसको, मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है। चलिए आपको दिखाता हूँ नए अकाउंट में, ये किसी किसी को ना यहाँ पर जो है डाल देता है वेट लिस्ट में। लेकिन इसका भी एक तरीका है कैसे आप अगर वेट लिस्ट में है उससे निकल सकते हैं बाहर, कैसे यहाँ पर लिमिट ले सकते हैं वेट लिस्ट में होने के बाद भी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। जी हाँ गाइज मैं ये जो अकाउंट है जो आपको दिखाया मैंने अभी, इस अकाउंट को मैं खोल कर दिखाऊंगा, लिमिट लेकर दिखाऊंगा। तो गाइज कैसे आप वेट लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं वेट लिस्ट को, ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर आपको पोस्ट पे के अंदर वेट लिस्ट मिली है तो, ठीक है। तो चलिए मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, मुझे लिमिट यहाँ पर ऑलरेडी मिली हुई है 3000 रुपये की, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये 3000 रुपये आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और निकालेंगे तो क्या चार्जेस आपके लेंगे क्या नहीं लेंगे सब कुछ आपको पता चलने वाला है। फिलहाल मैं अपडेट देता हूँ आपको पोस्ट पे कार्ड की। पोस्ट पे कार्ड आपको साइड में दिखा देता है, मैं इसको करता हूँ लेफ्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड नॉट अवेलेबल। ये क्या करें कि भाई आरबीआई की नई कार्ड लेना है जिसमें हमने अभी इस कार्ड को बंद करना पड़ा, लेकिन हम जल्दी आपके लिए कार्ड लेकर आएंगे, ठीक है। और डिसकंटिन्यू हो गया था 30 नवंबर 2022 को, आपको पता होगा इस बात का गाइस। तो यहाँ पर ये टाइप करना चाह रहे हैं नए नए बैंक के साथ में, तो जैसे ही काम होगा पूरा यहाँ पर कार्ड आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो फिलहाल इसको हटा दो, कार्ड हमारे किसी काम का वैसे भी नहीं था, ठीक है। ऑफलाइन यूज करने के लिए आता था अगर आपके पास ऑफलाइन होता था तो, लेकिन अभी कार्ड बंद हो चुका है। टोटल आपकी लिमिट दिखाई देगी आपको यहाँ पर, मेरी अवेलेबल लिमिट है 3000 रुपए की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर क्या लिख रखा है कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पोस्ट पे के अंदर, तो देखिए यहाँ पर छोटी सी वीडियो है वेलकम टू पोस्ट पे, इसमें आपको पता चल जाएगा पोस्ट पे लिमिट स्कैन एंड पे करके पेमेंट कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे मनी अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप बिल पेमेंट भी यूज कर पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं स्कैन QR कोड करके, देखिए गाइस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप अदर QR कोड स्कैन करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा गाइस, अदर QR कोड में जो है ये काम नहीं करेगा। मैंने यहां पर एक QR कोड स्कैन किया,
यहाँ पर ये मना कर देगी भाई ये QR कोड जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, इस कार्ड के अंदर अभी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यार ये कार्ड भी काम नहीं कर रहा है भैया। तो चलिए मैं दूसरा कार्ड लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर दूसरा कार्ड डाला, दूसरे कार्ड डालने के बाद भी इसने नहीं पकड़ा, ये मतलब आगे नहीं बढ़ा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है भैया कि भाई आप जो है हमारा खुद का भारत पे QR कोड है उसको इस्तेमाल करो, फालतू QR कोड मत देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एक QR कोड है उसको निकाल देता हूँ, भारत पे का QR कोड, और देखिए मैं उसको QR कोड को स्कैन किया, भैया यहाँ पर लिखा चुका है NK मोबाइल गैलरी, यानी गाइस हमारे शॉप का नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब यहाँ पर कितने पैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख रखा है ट्रांजेक्शन लिमिट 3000 रुपये। देखिए यहाँ पर टोटल लिमिट है 3000 रुपये, 3000 के 3000 में इसमें निकाल सकता हूँ बैंक अकाउंट के अंदर, अवेलेबल लिमिट है यहाँ पर 3000 रुपये। अगर मैं यहाँ पर करूँ 3000 रुपये, मैं आपको यहाँ पर 2500 करके दिखाता हूँ, इसके बाद मैं बैंक अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। कन्फर्म में मैंने क्लिक किया और जैसे कन्फर्म में किया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली पैसे अकाउंट के अंदर पहुँच गए, जा चुके हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल मैसेज आ चुका है, पैसे आपके अकाउंट के अंदर जा चुके हैं। तो 2500 हमने ट्रांसफर कर लिए, डन पर क्लिक करते हैं और आप देखिए अभी स्क्रीन पर 500 रुपये अवेलेबल रह गए हैं, 2500 यूज कर लिए, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको यूज कर पाएंगे QR कोड को स्कैन करके, लेकिन ओनली भारत पे का QR कोड वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस बिल पेमेंट करने के लिए हम यूज कर पाएंगे अपनी इस QR कोड की लिमिट को, सॉरी बिल पेमेंट करने के लिए हम यूज कर पाएंगे। और एक अच्छी बात है गाइस, पोस्ट पे के अंदर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर पाएंगे। जी हाँ गाइस, अगर आपका अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपके पोस्ट पे के अंदर लिमिट मिली हुई है तो आप अपने पोस्ट पे की लिमिट को यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट पे और क्रेडिट कार्ड, पोस्ट पे लिख रखा है। तो ये कैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उस वीडियो का कि अगर आपको पोस्ट पे के अंदर लिमिट मिली हुई है तो कैसे अपनी पोस्ट पे लिमिट को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहां पर जो है आप अपनी पोस्ट पे लिमिट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करने के लिए नीचे एरो का एक टैब है, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए हमारा बैंक अकाउंट यहां पर पहले से ऐड है, आपको भी यहां पर ऐड करना होगा। मैं यहां पर क्लिक करता हूं अपना बैंक, मैं अपना बैंक अकाउंट यहां पर चूज करता हूं, यहां पर डालता हूं मैं गाइस। अभी देखिए यहां पर एक और बात, पर ट्रांजेक्शन लिमिट 490 रुपये 20 पैसे, 2% कन्वीनियंस फीस गाइस यहां पर लगेगी। अगर आप यूपीआई द्वारा पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डालेंगे तो भैया 2% चार्ज लगेगा आपका, यानी 490 रुपये आपके अकाउंट के अंदर आएंगे, 500 रुपये आपके कटेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर पूरे 500 रुपये डालेंगे तो बोले 590 नहीं जाएंगे भाई साहब, पहले हमें पैसे दो। तो मैं यहां पर अगर करूं 480 रुपये, तो यहां पर देखिए 480 रुपये में हमारा चार्ज लग रहा है 9 रुपये 60 पैसे। भैया मैं नहीं देना चाहता, भाड़ में जाओ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो डायरेक्टली QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने भारत पे QR कोड, तो गाइस आपको मिली है अगर पोस्ट पे के अंदर लिमिट, आप अपनी पोस्ट पे लिमिट को भारत पे QR कोड को स्कैन करके निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। दूसरी बात, बैंक अकाउंट के अंदर निकाल सकते हैं, वहां पर चार्ज लगेगा, कार्ड जो था बंद हो चुका है। ये थी कुछ नई अपडेट। अगर आपको पोस्ट पे के अंदर वेट लिस्ट में डाल दिया है, कैसे आप वेट लिस्ट से बाहर आ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कैसे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर पाएंगे अपने ही पोस्ट पे लिमिट को यूज करके, वो बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखना चाहते हैं वीडियो तो गाइस वीडियो को जो, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपके लिए बस इतना ही।